दें तो और अच्छी बात, उसका भुगतान हम बाद में कर देंगे। राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में लगभग 40 लाख की चोरी की वारदात के बाद पूरे नगर में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि यह चोरी नगर के व्यापारी ब्रजमोहन के यहाँ हुई है। खिलचीपुर नगर के व्यापारी ब्रजमोहन गुप्ता के यहाँ चोरी की बड़ी वारदात से नगर में हड़कंप मच गया। चोर चोरी की वारदात में करीब 40 लाख का माल चुरा ले गए। घटना रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच की है। चोर ब्रजमोहन गुप्ता के तोपखाना गेट स्थित मकान के पिछवाड़े से छत के रास्ते से घुसे और चैनल गेट का ताला तोड़कर नीचे के कमरे में से चाबी उठाकर तिजोरी से 20 लाख नकद, 65 तोला सोना चुरा ले गए। वहीं सोने के जेवरात के खाली डिब्बे घर के पिछवाड़े फेंक गए हैं। इस दौरान परिवार के लोग सो रहे थे, कूलर और पंखे चल रहे थे, इस कारण परिवारजनों की नींद नहीं खुली। घर मालिक ब्रजमोहन गुप्ता करीब रात्रि 2:15 बजे पानी पीने उठे तो उनको चोरी होने का पता चला। सुबह SP प्रदीप शर्मा भी मौके पर पहुंचे। मौके पर डॉग स्क्वाड फिंगरप्रिंट टीम भी पहुंची। SP ने कहा कि इस मामले में साइबर एक्सपर्ट की मदद भी ली जा रही है। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। क्या है सर पूरा मामला? ये ब्रजमोहन गुप्ता जी तोपखाना गेट के पास इनका निवास है और इनका कहना है कि रात को करीबन 12:30-1 बजे अपने घर पे लौटे थे और जो उसके बाद ये अपने घर की जो चाबी है, जिस कमरे में इनका तिजोरी है, उसकी चाबी अपने सिरहाने रख के सोए थे। इसी दौरान इनका कहना है 1 से 2 के बीच में किसी आदमी ने ऊपर से चैनल तोड़ के, पीछे के रास्ते से अंदर आके चैनल तोड़ के अंदर आया है और सिरहाने से चाबी उठाई है और जिस कमरे में इनकी अलमारी रखी रहती थी वहीं अलमारी के ऊपर उसकी चाबी थी और इस तरह से वो चाबी प्राप्त करके अलमारी खोली और उसमें से काफ़ी मात्रा में नगद राशि और सोना निकालना बताया है। जो प्रथम दृष्टया इन्होंने नगद बताया है वो करीबन 20 लाख के आसपास बताया है और उसी रास्ते से फिर ये वापस गया है। अभी हमने मौके पर FSL टीम, फिंगरप्रिंट, डॉग स्क्वाड इन सबको बुला लिया है। हमारी साइबर टीम में भी इसमें लगी हुई है। अभी इसमें एक विशेष टीम का गठन किया जा रहा है जो आगे इसकी जांच करेगी। सर कुल कितनी चोरी होगी, लगभग कितने की होगी पूरी? ये कहना अभी बहुत मुश्किल है क्योंकि ये अभी हम लोगों को बताया नहीं गया प्रथम दृष्टया, क्योंकि इनका कहना है 3 परिवारों का वहाँ पे सोना था। इनकी बेटी का भी कुछ सोना वहाँ पे रखा हुआ था, इनके साड़ू भाई का भी कुछ सोना रखा हुआ था और इनका खुद का भी सोना था, तो वो एनालिसिस अभी हमको बताया नहीं गया। हालांकि कैश के बारे में बताया जा रहा है कि करीबन 20 लाख रुपये नगद वहाँ पर रखा। एक शटर तोड़ा, उसके बाद एक कमरे में ताला तोड़ा, गोदरेज के ताले तोड़े, नकदी है, जेवरात जितना नगद था और कितने जेवरात थे? 20 से 25 लाख के नकदी, 80 के